दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INDI हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड के मदद से कैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहो, पूरे डिटेल के साथ हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने डिवाइस में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको RTPS बिहार सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में आपको एक लिंक मिलेगा serviceonline.bihar.gov.in। तो इस लिंक पर आपको नहीं क्लिक करना है दोस्तों, यहां पर rtps.bihar.gov.in पर आपको क्लिक करना है और ऊपर में आप लिखा हुआ भी देख सकते हो बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस, तो इस वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने वेबसाइट जो है कुछ इस प्रकार के इंटरफेस में ओपन हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ये ओपन नहीं होता था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं, इस वेबसाइट के फीचर्स के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर अगर आप पहले से अप्लाई करके रखे हो तो उसका स्टेटस आप जान सकते हो कि अभी तक बना है या फिर नहीं बना है। एप्लीकेशन स्टेटस जो है आप ऑनलाइन भी जान सकते हो या फिर SMS के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हो। वेरीफाई तत्काल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, जहां पर अगर आप तत्काल सर्टिफिकेट बनवाए हो तो इसे आप वेरीफाई कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो और देख सकते हो कि यह वैलिड है या फिर नहीं है वैलिड। ऑफिशियल लॉगिन पर आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये ऑफिशियल लॉगिन है। यहां पर अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन आता है, तो यही अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यही पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई कर देते हो और मान के चलो आपने रिसिप्ट जो है प्रिंट नहीं किया है, तो एप्लीकेशन ID कर प्रिंट योर रिसिप्ट पर क्लिक करके रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर सर्टिफिकेट वेव कॉपी का ऑप्शन मिलता है, जहां पर वेव कॉपी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यहां पर वेरीफाइड डिजिटली सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है, जहां पर क्लिक करके आप अपने डिजिटली सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हो और डाउनलोड डिजिटली सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप अपने सर्टिफिकेट को डिजिटली रूप में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप डिजिटली सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हो, जो आप जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र अप्लाई करते हो, तो उसको आप डिजिटली तरीका से डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहां पर तत्काल वाले ऑप्शंस में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तत्काल जो है आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको ब्लॉक या फिर प्रखंड वगैरह जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शंस मिलता है, यहां पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। यहां पर आपको मैं सहमति हूं यानी कि आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण सूचना है। उसके बाद दोस्तों आपसे बोला जाएगा कि आप यहां पर प्रखंड से अपना प्रमाण पत्र जो है वह प्राप्त करना चाहते हो। तो यहां पर आप अपना प्रमाण पत्र, जो आप सर्टिफिकेट यहां पर अप्लाई करोगे, वो अपना प्रखंड से या फिर ब्लॉक से प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर मान के चलो आप बिहार भवन, जो कि यहां पर न्यू दिल्ली में है, वहां से प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेकिन आपके नियरेस्ट यहां पर आपका प्रखंड होगा, इसलिए आप लोग अपना प्रखंड को सिलेक्ट कीजिए। अब देखो दोस्तों यहां पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। जी हां, बिना आधार नंबर दर्ज किए हुए आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले ये रूल नहीं था, लेकिन यह रूल अब लागू हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नेम दर्ज करना है, आपको अपना हिंदी में नेम दर्ज करना है और अंग्रेजी में नेम दर्ज करना है। हम आपको बता दें कि यहां पर अंग्रेजी में नेम दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अंग्रेजी में नेम दर्ज करोगे और एक स्पेस दोगे ना, ऑटोमेटिक ये हिंदी में लिखा आएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर सर्टिफिकेट में आपको बताना है कि आप आय प्रमाण पत्र यहां पर प्राप्त करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो या फिर आवासीय या फिर जाति प्रमाण पत्र। तो आप लोग यहां पर तीनों ऑप्शंस में से कोई सिलेक्ट कर लो जो आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम आपको अप्लाई करके बताते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर नीचे में मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है यानी कि रजिस्टर्ड है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यदि आप दूसरा मोबाइल नंबर दर्ज करोगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा और आप लोग आगे का प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो चलो दोस्तों यहाँ पर हम आधार नंबर दर्ज करते हैं, नेम एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करके नेक्स्ट करते हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर सारा डिटेल एंटर कर दिया है, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे ना, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज किए होंगे, उस मोबाइल नंबर पर आपको आधार कार्ड की तरफ से OTP भेजा जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले जो है यहाँ पर जो आप लोग बिहार के लिए अगर यहाँ पर अप्लाई करते हो तो बिहार के तरफ से आपको यहां पर आता था, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से आपको OTP आता था। अगर आपने यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर नहीं किया है, कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो वैसी स्थिति में OTP नहीं भेजा जाएगा और बोला जाएगा कि आपके आधार कार्ड के साथ ये वाला नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको जो है यह सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यह जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ कोई ना कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जुड़ा हुआ। अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो आप जुड़वा सकते हैं। चलिए यहां पर वेरीफाई कोड के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने यहां पर कोड डाल दिया है। अब यहां पर वेरीफाई कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे जो प्रोसेस आएगा, इसमें आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालना रहेगा जो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले संबंध आपको चयन करना है, तो यहां पर पिताजी का नाम अगर लिखना है तो पिता सेलेक्ट कीजिए। यहां पर पिताजी का नाम आप हिंदी में डालिए। देखिए हिंदी में कैसे डाल सकते हैं ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। आप लोग इंग्लिश में नाम लिखिए, उसके बाद स्पेस डाल दीजिए। जैसे ही आप स्पेस डालोगे यहां पर ऑटोमेटिक यह हिंदी में बदल जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद माताजी का नाम यहां पर मेंशन करना है हिंदी में, और यहां पर माताजी का नाम इंग्लिश में। आपको यहां पर जो है अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर मोबाइल नंबर जो है ऑटोमेटिक फिलअप रहते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर प्रमंडल आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी प्रमंडल है आपको अपना प्रमंडल यहां पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जिला का नाम आ जाएगा, उसी अनुसार से आपका अनुमंडल आ जाएगा, उसी अनुसार से आपका प्रखंड आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपको गांव का अपना नाम दर्ज करना होगा, और यहां पर वार्ड संख्या या फिर पंचायत आप दर्ज कर सकते हो, तो आपको यहां पर दर्ज करना है। पोस्ट ऑफिस जो आपका है वो नाम यहां पर दर्ज कीजिए। उसके बाद आपको यहां पर थाना दर्ज करना है यानी पुलिस स्टेशन। उसके बाद आवेदक का उद्देश्य में आप यहां पर स्वयं डाल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको यहां से नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहां पर अंचलाधिकारी जो होंगे वो यहां पर आपको जो है यह सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे और उन्हीं का वहां पर सिग्नेचर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम इस फॉर्म को भर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सारा डिटेल एंटर कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इंग्लिश में नाम लिखते हो और उसके बाद स्पेस देते हो और उसे हिंदी में अगर कन्वर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत दफ़ा हो जाता है, बहुत सारे ब्राउज़र में इस तरह के प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो आप लोग एक काम करना, यहाँ पर गूगल में इंग्लिश टू हिंदी सर्च करना। सबसे ऊपर में आपको गूगल ट्रांसलेटर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेना। इंग्लिश में लिखोगे उसके बगल में आप लोग देख सकते हो इसे हिंदी कर आ जाएगा, फिर आप लोग यहां से कॉपी कर लेना और वहां पर जो है पेस्ट कर देना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो है हो जाता है अगर आप स्पेस देते हो तो यहां पर हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हमने यहां पर सारा डिटेल एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमने यहां पर नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्वयं शपथ पत्र करके एक मिलेगा आपको, तो इसे आप लोगों को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पर एग्री कर देना है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बोला गया है कि 4/10/2020 को यहाँ पर जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4/10/2020 को हम अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर सारा जो घोषणा वगैरह होते हैं ना, वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने सबसे ऊपर में योर एप्लीकेशन आईडी लिखकर आएगा। इस एप्लीकेशन आईडी को आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि इसी एप्लीकेशन आईडी के तहत जो है आपका यह सर्टिफिकेट रेडी होगा और आप लोग उसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। अब देखो यहां पर दोस्तों बता दिया गया है कि 17/10/2020 को आपको यह प्रमाण पत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहां पर डेट भी मिल जाता है, इसके लिए 10 कार्य दिन यानी कि 10 डेज का समय लिया जाता है। तो 10 डेज में आपका यह सर्टिफिकेट बनके रेडी हो जाता है। आप जो है यह सर्टिफिकेट जो है अपने ब्लॉक से प्राप्त कर सकते हो, प्रखंड से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए जरूरी होगा कि आप लोग अपना एक प्रूफ लेकर जाना, जो आधार कार्ड आप सबमिट किए हो वो आधार कार्ड का प्रूफ फोटोकॉपी होगा, तो आप उसे लेकर जाना। उसके बाद यहां पर जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र,
और आय प्रमाण पत्र, चाहे आप तीनों अप्लाई किए हो या फिर एक अप्लाई किए हो ना, तो उसका जो ये एप्लीकेशन आईडी है या फिर रिसीट है ना, ये आप लोग प्रिंट कर लेना। प्रिंट करके वहां पर लेकर जाना, और लेके जाने के बाद दोस्तों वहां पर जो है आपका प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा, यानी कि दे दिया जाएगा। क्या हुआ देख सकते हैं नोट में, समय सीमा के अधीन सेवा नहीं प्राप्त होने पर अनुमंडल अधिकारी के समक्ष 30 दिनों के अंदर अपील दायर की जा सकती है। तो दोस्तों यहां पर अगर मान के चलो कि 10 वर्किंग डेज में ये नहीं बनता है, तो वैसे स्थिति में आप लोग अपने अनुमंडल अधिकारी के पास जाकर 30 दिन के अंदर जो है अपील दायर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लेन जो है दर्ज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से बनवा सकते हो। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो है आवासीय प्रमाण पत्र कैसे आप लोग बना सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, बस आपको सिंपल सा फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करते हो, तो आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर आपको आय प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है या फिर अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल में वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।